माता जी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सूखी खांसी है। मैं आपको कुछ टैबलेट्स दे देता हूँ, आप उसको टाइम टू टाइम खाते रहना, ठीक है? लीजिए भाई, नमाज का है। टीम एनएसएस COVID-19 में हर जगह स्वास्थ्य जांच कर रहे थे, वही दूसरी तरफ दो बच्चे मायूस बैठे थे। दीदी मैं खेलने जाऊं बाहर। नहीं, हम लोग को नहीं खेलाएंगे। कोरोना यहाँ क्यों आया? कोरोना फैलाएगी क्या? चल जा अपना घर, चल जा, चल जा, चल जा। हम लोग को कोरोना थोड़ी ना हुआ है, मेरे पापा को हुआ है। वो हॉस्पिटल गए हैं, ठीक होके आएंगे। मैं यहाँ इसी चीज की जांच करने आया हूँ दीदी। तुझे मना की थी ना वहाँ जाने के लिए, फिर क्यों गई? क्या हुआ बच्चों, इतने उदास क्यों हो? हमसे बात मत करो भैया, नहीं तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। इतनी सी बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो भगवान के पास चली गई। और तुम्हारे पापा कहाँ है? पापा को कोरोना हुआ है। घर में कोई है तुमसे बड़ा? है ना दीदी, वो काम पर गई है। आप लोग को कोई चेक करने आया था? आए थे ना डॉक्टर, हम सबको चेक किए, बस पापा को लेकर गए। बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। राहुल, अपने सारे घरों को ठीक से चेक कर लिया ना? जी मैम, काम हो चुका है। आपसे एक बात करनी थी, मुझे थोड़ा खाना भेज सकते हैं क्या ईस्ट जोन में? हाँ, वो कुछ बच्चों को खिलाना था, वो बेचारे भूखे हैं ना। आप रुको, मैं सनी और यश को भेजती हूँ। दिशा, सनी और यश कहाँ? वो दोनों तो खाना पैक कर रहे हैं। ठीक है, उन दोनों को खाने के साथ ईस्ट जोन में भेज दो। हेलो सनी, ईस्ट जोन में खाना लेकर पहुँचो। भक्ति सोचती है क्या बाहर का खाना खाना सही होगा?
से खा ले। नहीं नहीं, लोग कह रहे थे कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। पापा कब आएंगे? बहुत जल्द आएंगे। अरे दीदी दीदी, तनिषा बोल रही थी कि ना पापा भगवान के पास चले जाएंगे। उनकी बातों को ध्यान नहीं देना, वो सब बकवास करते हैं। चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। चौदह दिन बाद भानु कोरोना को हरा कर वापस घर आता है, पर उसे देखकर सब उससे दूर होने लगते हैं। उसके पड़ोसी दोस्त भी उससे बात नहीं कर रहे होते। बेटा बाल्टी और साबुन लेके आना। प्रिया की आंखें सब बयां कर रही है कि वो अपने पापा को कितना मिस कर रही थी। चलो मैं आ रहा हूँ घर है। भानु घर जाने से पहले खुद को बहुत अच्छी तरह से साफ करता है, नहाता है। और मुस्कान भक्ति का है? वो तो चाचा के घर गई है। बेटा जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम लोग कैसे रहते थे? हम लोग को कोई नहीं खिलाते थे। हम लोग को कोई नहीं खिलाते थे, कोरोना कोरोना कह के भगाते थे। और वो लोग ये भी कहते थे कि आप भगवान के घर चले गए, अब कभी नहीं आओगे। और तुम्हारे चाचा और मामा तुम्हारे हाल चाल पूछने नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आता था। तुम लोगों के लिए खाना कौन बनाता था? जो करती थी सब दीदी करती थी। भक्ति सब बना लेती? हाँ। बच्चों ये सब छोड़ो, तुम लोग काढ़ा पियोगे? हाँ। चलो बनाता हूँ तुम्हारे लिए काढ़ा। अदरक नहीं है। रुको है, मैं अदरक लेके आता हूँ पड़ोस के यहाँ से। भरत भैया, भरत भैया। अरे भानु भैया, थोड़ा अदरक मिलेगा क्या? भानु तुम्हें तो कोरोना हुआ है ना, कोई अदरक वदरक नहीं मिलेगा भाई। नहीं नहीं, मेरा सब रिपोर्ट क्लियर हो चुका है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ चुका हूँ मैं। भानु तुमको कोरोना हुआ है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, प्लीज चले जाओ भाई, चले जाओ। कैंसल नींबू पानी पिए, कौन कौन पिएगा? मैं अभी बनाता हूँ, दो मिनट में। भानु सोचता है जब वो यहाँ नहीं था उसके बच्चे की मदद के लिए कोई नहीं आया, ये सब इन हालातों में कैसे रहे होंगे। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, आज मैं कुछ चला गया। क्यों रो रहे हो पापा? मैं कहाँ रो रहा हूँ, तुम लोगों को डांस देख रहे हैं? अपने आंसू छुपाने के लिए भानु बच्चों को हंसाता है।
शाम होती है, एनएसएस के दो वॉलंटियर आते हैं, यश और राहुल। हमें आपकी आपबीती जाननी है। बच्चे कह रहे थे उन्हें छुआछूत की भावनाओं से देखा जा रहा था। क्या बताऊं आपको, टीम एनएसएस भानु के साथ थी। यस मैम, हो गया। हालवाड़ा हो गया मैम। पहाड़ी चौक जी मैम। साहूपारा मैम, वहाँ अभी कुछ घर बचे हुए हैं, कल तक पूरे हो जाएंगे। यस, उन बच्चों को खाना मिल गया ना? जी मैम, लेकिन उस घर की हालत बहुत खराब है। वहाँ की मेंटलिटी ऐसी कैसे हो सकती है? अब तो उस फैमिली को कोरोना भी नहीं है, समाज उनको अलर्ट क्यों कर रहे हैं? चारों तरफ अफवाहों का घेरा है, कोरोना को छुआछूत की तरह देखा जा रहा है। हमें इस रीत को बदलना पड़ेगा और सभी लोगों तक सही संदेश पहुंचाना पड़ेगा। राहुल, तुम्हें क्या लगता है, कुछ बोलो। गलती उनकी नहीं, हमारी है। जब क्लास में पढ़ता था तो लगता था कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है, लोग टीवी, मीडिया, व्हाट्सएप में गलत इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं, जिससे लोगों के मन में डर बन जाता है, उन तक सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है। हम स्टूडेंट्स हैं और साथ ही एनएसएस के स्वयंसेवक। अगर हम उन तक सच्चाई भेजे तो इतने से ही हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या तुम ऐसे लोगों की सोच बदल पाओगे जहां लोग कास्ट धर्म से ज्यादा कोरोना से डर रहे हैं? यहां ऐसे लोग भर चुके हैं जो ऐसे न्यूज को बहुत बढ़ावा देते हैं। ये सब ठीक है, पर उनको यकीन कैसे होगा हम सच कह रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। असल में राहुल का प्लान होता है कि वो सभी कोरोना वॉरियर के साथ मिलकर 20 दिनों तक राशन बांटना, ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाने का काम करते हैं, साथ ही अलग अलग वार्डों में कोरोना जागरूकता अभियान चलाते हैं और आसपास के लोगों के मनोबल को बढ़ाते हुए अफवाहों को दूर करते हैं, और दूर से ही सही पर लोगों की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यही एक एनएसएस की पहचान है। आप सभी जानते हैं आप सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है। हमारी एनएसएस टीम आप सबकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर खड़ी है। अब यह है कि आपको हमारी सहायता करनी है। जब कोरोना नहीं था हम सब मिलजुल कर रहते थे, पर आज स्थिति कुछ और है। आप सब इतनी बड़ी बीमारी से लड़ तो रहे हो, पर कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। बेशक कोरोना फ्लू सांसों और एक दूसरे को छूने से फैल रहे हैं, पर वो तब फैलते हैं जब आप लापरवाही करते हो। हम सब कोरोना से रोज लड़ते हैं और आप आपस में लड़ रहे हो। सब कहते हो मिलकर लड़ेंगे, कोरोना को हराएंगे, पर आप अपने पड़ोसी की ही मदद नहीं करते हो। जब कभी किसी पर भी मुसीबत आई है तब हम सोचते हैं हमारी मदद करने के लिए हमारे पड़ोसी आएंगे, हमारा साथ देंगे, पर हम गलत फहमी में रहते हैं। हमने अपने बच्चों तक को सही जानकारी नहीं दी है, माफ कीजिएगा, पर यही सच है। आप सब हल्की खांसी में भी चिंता करने लगते हो कि हमें कोविड तो नहीं। आप सब टीवी पर कोविड देखते हो, उसके लक्षण देखते हो, उससे बचने के उपाय देखते हो। कोरोना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचा तो जा सकता है। आप सब टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज देखते हो जहां कोरोना से लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है। जहां लोगों को हिम्मत देनी चाहिए वहां आप ये सब स्टेटस में रख कर लोगों का मनोबल और भी कमजोर कर रहे हो। आप सभी के बीच कुछ कोरोना वॉरियर बैठे हैं। मैं ललित, मैं राशन दुकान वाला हूँ। जब मुझे कोरोना हुआ था सब मुझे दूध काटते थे, लेकिन आज मैं कोरोना मुक्त हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एनएसएस टीम, जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं आपके साथ पिछले 20 दिनों से अलग अलग वार्डों में राशन, दवाइयाँ ये बांट कर गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। मुझे जब कोरोना हुआ था और मैं घर पे नहीं था, तो मेरे बच्चों को कोरोना कोरोना कहकर
भगाया जाता था, साथ में खेलने के लिए मना भी किया जाता था। और मैं जब स्वस्थ होकर वापस आया तो लोग मुझे कोरोना कहकर उत्कारते थे और अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। किसी भी गरीब की परिस्थिति में हंसने की गलती नहीं करना, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं होता। हे गाइस, सुख में तो सब साथ होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दुख में आपके साथ जो खड़ा हो वही सबसे अच्छा साथी, दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार कहलाते हैं। हम जिंदगी के उस मोड़ पे हैं दोस्तों, जहाँ पे डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सरकार, जितने भी लोग हैं उनके लिए सिर्फ हम एक कोरोना पेशेंट्स हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए हम उनकी दुनिया है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ पर, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, मिलते हैं, बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।